इस लड़की ने चोरी की है मॉम। हाउ कैन यू टॉलरेट दिस? अस्लान मैं समझा दूंगी। आप पैसों का बंदोबस्त करें फिर देखें, गुर्दे ही गुर्दे। नाजरीन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस्मानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के पीछे पूरा एक माफिया है। किताबें भी उन्हें समझ में आती हैं जिनके पास अक्ल होती है। तो क्या मुझ में अक्ल नहीं है? अगर होती तो आप ये बात मुझसे ना पूछती। इंसल्ट तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, इनका शुमार तो उन लोगों में होता है जिनकी ना कोई इज्जत है और ना ही कोई इज्जत करना जानते। शट अप, यू शट अप। इंसान अपने नफ्स की नफी अपनी तमाम ख्वाहिशात को कद होते रोड़कर जब राजी मर्ज़ा के सफर पर रवाना होता है। यही को लम्हा होता है जब खाक से बना इंसान कुंदन होकर असबाब की दुनिया में दाखिल हो जाता है और इसकी इंतहा राजी बरजा है, क्योंकि जब इंसान अपने सब्र शुक्र और तस्लीम और रजा के जरिए नफ्स से मुतमईना के दर्जे तक पहुंच जाता है तो रब उससे राजी और वो अपने रब से राजी हो जाता है। इश्क के ला इब्तिदा और इंतहा उसकी रजा। क्या मकाम, क्या सफर, क्या दर्जा। गेस आ गए मैम, आप लोग स्टूडियो में रहिएगा, बाहर कुछ लोगों ने दावा बोल दिया हमेशा क्या आपके प्रोग्राम की वजह से ये लोग बलवा कर रहे हैं। शोर, आप यहाँ पे रुको। ओके, आप मेरे साथ आ जाएं। मेरी वजह से जाकर देखती हूँ। मैं आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, प्लीज। मैं जाकर बात करती हूँ ना, जंगल का कानून है कि कोई भी मुंह उठाकर बलवा करने के लिए आ जाएगा। प्लीज मैम, मैं आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप प्लीज फॉलो द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। जब तक पुलिस नहीं आती आपको यहीं पे वेट करना पड़ेगा, प्लीज। माशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त ने अब ये हालत कर दी है कि दुरुस्त तनकीद को भी नहीं बर्दाश्त किया जा रहा। माफियाज हर इदारे को धमका रहे हैं। मारूफ एंकर शनाया अहमद ने जब किडनी माफियाज की असल शक्ल दिखाई तो आज दिन दिहाड़े बगैर किसी खौफ के किडनी माफिया के लोग कैसे उन पर हमला करने आए, आइए आपको फिर दिखाते हैं। आप पैसों का बंदोबस्त करें फिर देखें, गुर्दे ही गुर्दे। नाजरीन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस्मानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के पीछे पूरा एक माफिया है जो इस कदर मजबूत है कि लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकती या फिर वो इन्हें पकड़ना नहीं चाहती। फोन क्यों नहीं उठा रही है? परेशान करती है लड़की मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, शनाया अहमद से बात करा दे। निकल गई है ऑफिस से? ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू। ओ शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। शनाया ठीक हो? 110%। न्यूज में बता रहे थे कि तुम्हारे ऑफिस पे अटैक हो गया, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मा काम डाउन, आप जानती हैं जब हम क्रिमिनल्स को एक्सपोज करेंगे तो वो हम पे अटैक भी करेंगे, थ्रेटन भी करेंगे, ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर गॉड्स सेक शनाया, इतनी बड़ी बात को तुम इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? मैंने भी सारी जिंदगी अपनी कॉजेस के लिए फाइट की है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि लड़ाई इसी तरह से लड़ी जाए, खतरे के बगैर भी लड़ी जा सकती है। अम्मा हर किसी का जंग लड़ने का अपना तरीका होता है, शायद मैं आपकी तरह पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आप खुद सोचें अगर हम पीछे हट जाएंगे तो क्या होगा?
या यू आर राइट, लेकिन मैं भी क्या करूं, औरत जब मां बन जाती है ना तो बुजदिल हो जाती है। मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ लेकिन तुम खतरे में हो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। अम्मा आप इन छोटी छोटी धमकियों से डर जाएंगी ना तो मेरे कदम अपनी मजबूती खो देंगे। यू आर माई बिगेस्ट सपोर्ट, आप ये बात जानती हैं। बस मेरे लिए दुआ क्या करें, घर पे कोई आया हुआ था? हाँ महनाज आई थी। महनाज आंटी आई थी, काफी टाइम बाद आई हैं, कैसी हैं? हाँ वो फहद ने पीएचडी कर लिया ना, लंदन से आया। चलो पीएचडी कर लिया उसने, वैसे बचपन से ही बड़ा ब्रिलियंट था। प्रपोजल लाए फहद का तुम्हारे लिए। प्रपोजल मेरे लिए? यू आर जोकिंग राइट? नो आई एम सीरियस एंड आई थिंक यू शुड कंसीडर इट सीरियसली एज वेल। हाउ कैन यू इवन से दैट? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अजलान और अजलान का शादी का कोई इरादा नहीं है। मेरी बेटी सारी जिंदगी एक शराब का पीछा करती रही, मुझे कबूल नहीं है। सो आई थिंक ही इज अ नाइस गाय एंड यू शुड कंसीडर फहद। ओके फहद बहुत अच्छा होगा लेकिन वो अजलान नहीं है। मुझे क्यों देख रहे हैं अभी ऐसे? अच्छा ओके आई टॉक टू हिम। हेलो सुल्तान। बेगम साहबा मैं कंवल सुल्तान की बीवी, कोई बात करनी थी आपने? हाँ पूछना था कि सुल्तान की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेहतर है जी। अच्छा उसे कहना है कि वो कल से खुद आ जाए। खैरियत है बेगम साहबा? असल में हमें सुल्तान की आदत है और काम सही नहीं हो रहा, उसे कहना कि वो बस अब खुद ही आ जाए काम पर। जी बेहतर। किसका फोन? जरा पूछो ना अपनी बहन से इस बार क्या करके आई है। बेगम साहिबा ने खास फोन पे मना किया कि कल से उन्हें ना भेजा जाए। पूछो ना। अस्का अस्का जी भाई। बेटा क्या हुआ है? बेगम साहिबा का फोन आया था, कल भी कोई मसला हुआ, आज फिर कोई मसला हुआ, सब खैरियत तो है ना? सुल्तान तुम जाओ अपना काम संभाल लो, अब हमसे नहीं होता। इसने जरूर जानबूझकर कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी, इसका तो सुबह से दिल नहीं था जाने को। अम्मा इसका ने कोई बात की है वहां पर, कोई हरकत की है ऐसी? वो अजलान साहब बस देखा जरूर कोई हरकत हुई है, तभी तो अम्मा भी छुपा रही है। तुम तो चुप करो, कोई गलत हरकत हुई है बेटा वहां पर, क्या हुआ क्या है? भाई गलत हरकत मैंने नहीं की है, अजलान साहब और उनके दोस्त ने की है गलत हरकत। चुप करो बस कर। अस्का बता बेटा क्या बात हुई वहां? भाई उनके दोस्त ने मुझे बस ये सोच रही थी कि हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन लेकिन क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? hmm.
सुल्तान कहाँ जा रहे हैं? जरूरी काम। मेरी बात तो सुने सुल्तान। अल्लाह खैर रखना, या अल्लाह खैर रखना, भाई का किसी से झगड़ा ना हो जाए। या अल्लाह। कुछ नहीं होता बेटा, खैर होगी। मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है भाई, इतने गुस्से से घर से बाहर निकले, कहीं अजान साहब से ही ना झगड़ा हो जाए। आ मेरे साथ नमाज पढ़, तू भी दुआ। तौबा है भाई, तौबा है। बड़ी कुछ चलाक हो तुम अस्का, पहले भाई को अच्छी तरह भड़का कर भेज दिया, अब उसकी खैर की दुआएं मांग रही हो। भाभी मैंने खुद से तो कुछ नहीं कहा था, जो था वो ही बोला ना, मुझे क्या पता था कि भाई इतने गुस्से में निकल जाएंगे घर से। मैं तो ना बताती तो कौन सी कयामत आ जानी थी। कमल बस कर दे, बस कर दे, जा यहां से। सारा घर सर पे उठाया हुआ, कोई बात नहीं हुई है, जा यहां से। चलो जाओ वजू करके। अम्मा दुआ करें ना। मैं दुआ करती हूँ, तू वजू करके आना, चल। क्या हो गया? बेगम साहब से बोलो कि मैं आया हूँ। वो आपका इंतजार कर रही हैं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त खैरियत? कल सुबह आ जाते। आज की बात अगर आज ही हो जाए तो बेहतर, मुझे आपके घर काम नहीं करना। तुम इस लहजे में क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुमसे कुछ कहा है क्या? देखो उसने भी मेहमानों के साथ बदतमीजी की थी और तुम उसकी वजह से नौकरी छोड़ दोगे? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैडम, मगर क्या आपने अजलान साहब के दोस्त से पूछा कि उसने मेरी बहन से क्या कहा? हम भी इज्जतदार लोग हैं, बहुत बड़ी गलती की अपनी बहन को आपके घर भेजकर, जहां इज्जत नहीं वहां कुछ नहीं मैडम। देखो सुल्तान, तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो, इतनी छोटी छोटी सी बातों पर नौकरियां नहीं छोड़ी जाती, बच्चे हैं सोचे समझे बगैर बात कर देते हैं। देखो तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो, अजलान तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, तुम जानते हो वो दिल का पुराने। दिल के अंदर किसने झांका है मैडम? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि अजका अगर आपकी बेटी होती तो। सुल्तान बस मैडम, आज आखिरी बार आया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाह हाफिज। खा ले खाना, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, खा ले। अम्मा भी खाए ना। मैं भी खाती हूँ तेरे साथ, तू शुरू कर। हाँ हाँ खाओ खाओ, अच्छी तरह पेट भर के खा लो, वैसे भी इसके बाद कौन सा नसीब होना ये सब कुछ। क्या मतलब है? क्या मतलब है? अच्छी भली नौकरी छोड़ दी सुल्तान ने सिर्फ इसकी वजह से। क्या बेइज्जती कर दी थी उस लड़के ने तुम्हारी? कमर, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसे खाना तो खा लेने दो। खा लो भाई खा लो, सब कुछ जो भी बच गया ना वो भी खा लो। एक बात तो बताओ, कौन सी उस लड़के ने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी थी जो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया? अच्छी भली नौकरी छोड़ दी उसने, बढ़िया ही इज्जत वाली। कमल, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरी बहन के साथ? आइंदा अगर तूने इस लहजे में मेरी बहन से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बैग क्यों पैक कर रही हैं? जा रहे हैं हम यहाँ से। अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? अब ये क्या हरकत? अपनी हरकत के बारे में क्या ख्याल है? तुमने बात ही ऐसी की थी कि मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी आ सकता है, अब मैं यहां एक पल नहीं रुकूंगी।
जा रही हूं मैं खाला की तरफ, चलो अलिया। अलिया कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, बेटी है मेरी। अलिया को यहां से ले जाने की कोशिश मत करना, तुम्हें जाना है तुम जाओ। हाँ, मेरे जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी मां और बहन अजीज। बीवी जाए भाड़ में, बहुत मोहब्बत की है और बहुत इज्जत भी तुम्हारी, अगर कदर नहीं है ना तो जा सकते हो। जा रही हूं, याद रखना ना मनाने आऊंगा और ना ही लेने। जानती हूं, खुश रहो। ख्याल था तू इस मनहूस सौगात को ना दुबई से आने के बाद हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन तू बास तो नहीं आया, फिर शुरू हो गया। अम्मा, न चोर चोरी से जाता है न स्मोकर स्मोकिंग से, अब तो ये मरकर ही छूटेगी। अरे कमल, अरे आपा क्या हुआ? क्या हुआ है आबिद? जा पानी लेकर आ इसके लिए। इस बार अगर मैं कहूं भी ना कि मैंने वापस जाना, मुझे वापस मत जाने दे। अच्छा अच्छा, नहीं कहूंगी। हुआ क्या है? लगता है दंगल करके आई हो घर में। सिर्फ तेरी वजह से घर छोड़कर आई हूं। चाचापा, यानी कि मेरा रिश्ता पक्का समझो? जरूर कोई स्कीम लड़ाई है मेरी आपा ने। खुदा जाने इसको उसमें क्या नजर आता है। आपा, मेरी नजरों से देखना, नी प्यारी नी मासूम, यही लगी है सिर्फ खा करके। सुन ले खाला, ये तो उसको ला कर ना सिर्फ उसके नखरे उठाएगा, तुम तो गई काम से। मुझे भी इसी बात का डर है, पर ये किसी की सुनता कब है, उसके इश्क में पागल हो रहा है ये। अम्मा, आप अकेले बिस्किट लेकर आओ ना। मेहमान नहीं हूं, नाराज होकर यहां रहने आई हूं। नहीं, बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। तू देखना अभी सुल्तान तुझे मनाने के लिए आ जाएगा, ज्यादा परेशान ना हो तू। आने दे सुल्तान भाई को, मैं खुद उनसे बात करूंगा। तेरा भाई अभी जिंदा है आपा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या सोचा है, क्या लेना चाहते हो आंटी के लिए? I don't know. Something unique, कुछ different. ये देखो, ये कैसा लग रहा है? It's nice, लेकिन इससे बेहतर हो सकता है। इसकी क्या price है? यार price doesn't matter sir. इससे कुछ बेहतर दिखाइएगा please. Okay. मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। Actually, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं? देख लीजिए सर, जैसे मैम कह रही हैं ले लीजिए। क्यों? एक्चुअली सर, यहाँ जो भी साहब लोग आते हैं वो मैम की ही पसंद की चीज़ लेकर जाते हैं, जो वो चूज़ करती हैं वो ले जाते हैं।
मैं तो यही लूंगा और मैं हमेशा वो चीज लेता हूँ जो मेरी चॉइस हो। तो अगर अपनी चॉइस की चीज लेनी थी तो मुझे क्यों लाए हो साथ? टाइम स्पेंड करने के लिए, कंपनी देने के लिए। राइट। सर मैं कौन सा पैक करूं? यही वाला पैक कर दे। थैंक यू। तुम लड़कियां थी बेवकूफ, पर इतनी सेंसिटिव क्यों होती हो? क्योंकि हमें तुम जैसे अकलमंद और संगदिल लड़कों के साथ रहना पड़ता है ना। आओ बेटा मेरे साथ सब्जी बना लो जरा, अभी हांडी भी पकानी है। अम्मा आपको क्या लगता है मुझसे गलती हुई है? तेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन भाभी। तेरे बहिश्ती अब्बा कहते थे कि किसी का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करके चुप रहना सब्र होता है, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा के चुप रहना अपने ऊपर जुल्म होता है। तूने ठीक किया। क्या कहती? हाँ लेकिन भाभी मेरी वजह से घर छोड़कर चली गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आ जाएगी, आ जाएगी, तू फिक्र ना कर। Happy birthday, mom. Thank you, beta. Happy birthday, auntie. Thank you very much, beta. चल खोले ना। हाँ हाँ खोले इसको। ये लोग इतने complicated तरीके से pack करते हैं। I hope you like it. Oh wow, इतना खूबसूरत देखे गए आज। Beautiful. Chennai की choice थी। I guess a woman knows a woman better. Thank you, meri jaan. आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ तो हो ही नहीं सकती। भाई कोई खूबसूरत सा केक भी बनवाया या नहीं? Absolutely. ये मैं आपके कमरे में रखता हूँ। जी बेटा ठीक है। Let's get that cake. Yes. सलमा, सलमा। मेरी बेटी ने पूरा घर चमका दिया मेरा। बेटियों के बड़े सुख होते हैं कमल। हाय, ये सुख मैके वालों को ही नजर आते, ससुराल वालों को नहीं दिखाई देते। क्यों? तेरी सास तेरी तारीफ नहीं करती? मेरे सास के तो नखरे ही बड़े। माँ बेटी को ज्यादा ही नफासत पसंद बनती है। ये काम गंदा किया है, ये अच्छी तरह साफ नहीं किया, रहने दो भाई, मैं नहीं कर सकती उनके काम। अच्छा सुन, वो अस्का भी कुछ करती है? अच्छी है, सादा तबीयत की है, पढ़ाई में ही लगी रहती है, उसी लड़कियों की तरह ज्यादा बुड़बुड़ नहीं करती। घर के काम का पूछ रही हूँ, मेरा घर संभाल लेगी ना? हाँ हाँ संभाल लेगी, और आपसे कभी बदतमीजी भी नहीं करेगी, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। चल ये तो अच्छा हो गया। खाला आपने कहा था कि सुल्तान मुझे लेने आएंगे, आज भी नहीं आए। आ जाएगा, इतना बड़ा कदम उठाया, थोड़ा इंतजार तो कर। शाबाश, आ जाएगा। आज आंटी का ना बर्थडे है और तुमने उनको परेशान करके रख दिया। बिना खाए तुम यहां पर आ गए हो, अब उन्होंने तुम्हारे लिए केक भिजवाया है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। क्या हो गया है? टूटने वाली चीज थी, टूट गई। ऐसे कैसे टूटी? मुझसे कैसे टूटी? तुमसे भी टूट सकती है,
तुम भी इंसान हो और गलतियां इंसानों से ही होती हैं, इट्स ओके। इंसानों से गलतियां नहीं होती, गलतियां हमारे केयरलेसनेस से होती हैं। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूं? ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूं कि इमोशंस तो तुम में हैं और कूट कूट के भरे हुए। तुम्हारे ख्याल से मैं इमोशनलेस हूं? नहीं, लेकिन अगर तुम इतनी परवाह उन लोगों के लिए करना शुरू हो जाओ ना जो तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम बेहतर इंसान बन सकते हो शायद। वाओ, तो तुम्हारे ख्याल से मैं बेहतर इंसान भी नहीं हूँ? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ अगर तुमने उस मामूली चीज की परवाह करने के बजाय अपनी अम्मी की फीलिंग्स की परवाह की होती जिनका आज बर्थडे है। तुम मेरी जिंदगी में इसलिए आई हो। किस लिए? मुझे लेक्चर्स देने। ओके, अकेले केक मत खिलाना उनको। अलिया, नींद क्यों नहीं आ रही है? पप्पा, मुझे अम्मी की याद आ रही है। वो कब आएंगी और कहाँ गई हैं? मुझे नहीं पता। उन्होंने आपसे लड़ाई क्यों की थी? अलिया चुप करके सो जा, वो सब कोई और बात नहीं। रेहा सो गई। लेकिन अम्मा बहुत उदास है। बहुत उदास है। सुल्तान, बेटा जाके कमल को ले आ, उसे माफ कर दे, गलती हो गई उससे। अलिया बहुत उदास है। सुल्तान, वो तेरी बेटी की माँ है, बस ले आ उसे। ले आऊंगा माँ, इतनी जल्दी भी क्या? बात को लटकाने का फायदा, आखिर आना तो उसने इसी घर में है ना। हाँ भाई, भाभी को घर वापस ले आए ना, वरना तो मुझे तो यही सोच परेशान करती रहेगी कि मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर चली गई। तेरी वजह से क्यों बेटा, क्यों ऐसी बातें सोचती रहती है? अपने मासूम से जहन पर ना इतनी बड़ी बड़ी बातों का बोझ ना लिया कर। आना होगा आ जाएगी, छोड़ दे। ये बात मैं इसे समझा समझा के थक गई हूं। भाई, आप भाभी को घर वापस ले आए ना, मेरी खातिर, अलिया की खातिर, वो बहुत उदास हुई है, प्लीज। ले आऊंगा तेरी खातिर। थैंक यू। चलो भर। अम्मा सुबह नाश्ते के लिए जो मंगवाना हो बता देना। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। शब बखैर। अस्सलाम वालेकुम खाला। अह
वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो ना बेटा। मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है खाला। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जा रही? जाएगी, जरूर जाएगी बेटा, पर तुम भी थोड़ा ख्याल किया करो ना। बीवी को अपनी जगह पे रखो, माँ बहन को अपनी जगह पे। खाला आप हमारे घर के मामलों में दखल ना ही दे तो बेहतर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसको किस जगह पर रखना है। तुमने चलना है तो चलो, वरना आप। अम्मा, सुल्तान भाई बहुत समझदार आदमी है, आप इन दोनों मियां बीवी के मामलों में दखल ना दें। पापा चलो जाओ जाओ। हाँ हाँ जाओ, अल्लाह की अमान में दिया तुम्हें। देख मेरे बच्चे, ससुराल जा, किसी से डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? और जाके अपना हक जमा, ठीक है? शाबाश मेरी बच्ची, चल सामान ले ले। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज नॉट अ गुड माइंड एक्शन, मेरे टर्म्स यही रहेंगे। क्यों, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती क्या? कर सकती हूँ, कभी करती नहीं हूँ। उस वक्त तुम मुझसे आज लंच पे मिल सकते हो? तुम परेशान लग रही हो, एवरीथिंग ओके? नहीं, तुम बताओ आ सकते हो या नहीं? अब इतनी परेशान लगोगी तो आना ही पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू? तुम मुझे सही नहीं लग रही शना, सब ठीक तो है? अभी आ जाओ। नहीं, लंच पर। ओके, सी यू एट लंच। तो चल मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। अच्छा। और हाँ, किसी से झगड़ना मत। अच्छा। अरे कंवर, अच्छा किया आ गई। खुद नहीं आई, आपका बेटा लेकर आया। अम्मी, आपको पता है दादू अब्बू को कह रही थी कि अलिया उदास है, इसकी अम्मी को ले आओ, तो अब्बू ले आए। चुप कर दादी की चमची। गुस्से में अभी आई है ना, चलो जाओ बाकी का काम कर लो तुम जाके। चलो आओ तुम मेरे साथ आओ। अब क्या हुआ? फाद यूके से आ गया है। रजिया आंटी का बेटा? हाँ। तो उसने मुझे प्रपोज किया है। फैंटास्टिक, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें लगता है ये अच्छी बात है? हाँ, तुम दोनों इतने सिमिलर हो, सोशल वर्क का शौक है, अच्छी बात है। गरीब मोहल्लों में दोनों बच्चों के साथ बैठना अच्छा है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक इट रियली वर्क आउट। मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक परफेक्ट मैच है, यू डोंट थिंक सो? You know, mom मुझे क्या कह रही थी about last week? She was saying कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। Can you believe it? तुमने क्या कहा? यही कि दिन के चंद घंटे एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, यही काफी है। शादी वादी कर ली तो मैक्सिमम दो दिन में सेपरेशन हो जाएगी पक्का। शनाया, शनाया कहाँ जा रही हो? Thank you.
अल्लाह, मेरे दिल में अज़लान की मोहब्बत तूने डाली है। दिलों में मोहब्बत डालने वाले रब, तू चाहे तो मोहब्बत को मिला भी सकता है और निकाल भी सकता है। अब मेरे दिल से इसकी मोहब्बत को निकाल दे। शनाया, शनाया बेटे, जी अम्मी। Are you okay? Yeah, I'm fine. चाय बनाओ? हाँ, नीलम से कह दो। मैं बनाऊंगी। अम्मी, कल आप रजा अंकल को बुला ले। मैं फहद से शादी के लिए तैयार हूँ।